आप भी अपनी गैलरी के फोटो को पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी गैलरी के फोटो को पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभाव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, बेसिकली हम मोबाइल पर हैं और जहाँ पर अपनी गैलरी की कोई भी फोटो को हम पीडीएफ में कैसे बनाते हैं वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसको जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो वहां पर आप सर्च करना है डॉक स्कैनर। आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन आएगा और उसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। चलिए यहां पर इंस्टॉल आप बाद में करें, सबसे पहले देखिए यहां पर इसे यूज कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले जब इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे देखिए आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर आएगा। आपको यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है और फिर इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपके सामने एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो जाएगा। अब जिस भी चीज का आप यहां पर पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो वो फोटो आप यहां से क्लिक भी कर सकते हैं। कैमरे का आइकन मिल रहा है आपको यहां पर, देख सकते हैं। अगर उसको आप गैलरी की कोई भी फोटोज को अगर उसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहां देखिए गैलरी का आइकन मिल रहा है, सिंपली गैलरी पर ओके करेंगे, देन अलाउ पर कर देना है और आपके पास जितनी भी देखिए फोटो इमेज आ जाएंगी। और अब जिस भी फोटो का यहां पर पीडीएफ बनाना चाहते हैं उसका बना सकते हैं। चलिए मैं इस फोटो का जो है मैं एक पीडीएफ बनाना चाहता हूं, मैंने पेज को यहां पर लिया। इस तरीके से आप किसी भी चीज का यहां पर पीडीएफ बना सकते हैं, जो देखिए इस तरीके आपके सामने आएगा। और आपको अगर लगता है कोई भी पार्ट कट करना है आपको तो इस तरीके से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे आपको जितना पार्ट लेना है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहां पर इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, एरो का सिंबल दिख रहा है, सिंपली आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका पीडीएफ कुछ इस तरीके से यहां देखिए आपके सामने अपलोड मतलब क्रिएट होकर आ जाएगा। और इसे यहां पर देखिए सेव करना है तो यहां देखिए ये डन का ऑप्शन है, राइट पर क्लिक करेंगे और अब यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका पीडीएफ है यहां पर आ गया है। आपको ये सेव करना है तो यहां पर नीचे ही कॉर्नर देखिए जो आपको नीचे बॉटम दिख रहा है यहां पर आएंगे और ये देखिए सेव का आइकन है तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से नया इंटरफेस आएगा और पेज आने पर यहां पर देखिए जेपी यहां पर लिखा है जेपीजी या फिर पीडीएफ फाइल, तो आप पीडीएफ पर ही क्लिक है। यहां पर डिफॉल्ट क्लिक रहता है, आपको कुछ करना नहीं है तो पीडीएफ पर ही होना चाहिए। चाहे तो यहां पर लिखा है इनेबल पासवर्ड, तो चाहे तो इस पीडीएफ पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। और इसे अगर आपको सेव करना है तो यहां पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है, चलिए मैं इंटरनल स्टोरेज सेव कर लेता हूं। पीडीएफ फाइल को जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर कोई भी फोल्डर को चूज कर सकते हैं। चलिए ये देखिए कलर से मैं इस फोल्डर को चूज कर लेता हूं और यहां पर देखिए यूज दिस फोल्डर यहां पर हम क्लिक कर देते हैं, आपको अलाउ कर देना है और ये देखिए आपकी जो पीडीएफ है यहां पर देखिए सेव होना शुरू हो जाएगी। जो देखिए आपके सामने लिख के आएगा सेव्ड सक्सेसफुली और यहां पर आप पढ़ सकते हैं जो डॉक स्कैनर की डेट ऑफ बर्थ, फाइल साइज और पूरी डिटेल्स यहां पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगी। यहां से नीचे आपको डन कर देना है। चलिए यहां से हम बैक आते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं ये फाइल सेव कहां और कैसे दिखती है। तो देखिए सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर को हम ओपन कर लेते हैं और जैसे फाइल मैनेजर को हम ओपन करेंगे, फोन स्टोरेज है यहां पर हम क्लिक करेंगे। चाहे तो हम इस तरीके से फोल्डर में डायरेक्ट आ सकते हैं और ये देखिए आज के डेट में 16 फरवरी 2023 है और ये देखिए पीडीएफ फाइल यहां पर हम क्लिक करके इस तरीके से आप चाहे डॉक स्कैनर या किसी भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं ड्राइव पीडीएफ पर ही क्लिक करता हूं। देखिए आपके सामने ये जो किसी भी चीज़ की पीडीएफ बनाएंगे उसे आप बहुत ही जूम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कितना जूम करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग वहां से इसकी रेंज घटा बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से आप भी किसी भी चीज़ की जो जिस तरीके से आप क्वालिटी की फ़ोटो लेंगे उसकी आप यहां पर इस तरीके से पीडीएफ फाइल बहुत ही आसान तरीके से बनाकर भी उसे शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। आइए छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।